दोस्तों, आपका एक बार फिर से मेरे चैनल जर्नलिज्म गाइड में स्वागत है। इसी तरह और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज आप जानेंगे कि नए अखबार कैसे शुरू होते हैं और एक नए अखबार को शुरू करने के लिए कहां जाना पड़ता है। तो दोस्तों, किसी भी अखबार को शुरू करने से पहले हमें RNI यानी रजिस्टर ऑफ न्यूज़पेपर इन इंडिया में एक अर्जी देनी होती है, जिसके बाद आपको अपने अखबार के लिए नाम यानी टाइटल को चुनना होता है, जिसके बाद RNI के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिसर इसकी जांच करते हैं कि कहीं एक ही नाम से कहीं दूसरा अखबार मौजूद तो नहीं जो पहले से चल रहा हो, जिसके क्लैरिफाई के बाद ही हमारे अखबार को परमिशन दी जाती है। साथ ही दोस्तों, RNI द्वारा हमें एक सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाता है, जिसके अंदर हमारे अखबार से जुड़ी और परमिशन से जुड़ी बातें लिखी होती हैं। दोस्तों, RNI से हमें कुल 6 महीने का समय मिलता है, जिसके अंतर्गत हमें अपना अखबार शुरू करना पड़ता है, नहीं तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी जाती है। दोस्तों, रजिस्टर ऑफ न्यूज़पेपर इन इंडिया की शुरुआत 1 जुलाई सन 1956 को प्रेस और रजिस्ट्रेशन बुक एक्ट 1867 के तहत हुई थी, जिसका मुख्य कार्यालय दिल्ली में है, जबकि 5 अन्य क्षेत्रों में मौजूद हैं, जिसमें भोपाल, कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई और मुंबई जैसे शहर शामिल हैं। दोस्तों, आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि अखबार वालों को ये कैसे मालूम पड़ता है कि उनका अखबार नंबर 1 पर चल रहा है या नंबर 2 पर। तो दोस्तों, इसके लिए ABC यानी ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन काम करती है, जिसकी शुरुआत सन 1948 से हॉलैंड और इटली को छोड़कर सभी देशों में की गई। ये ब्यूरो अखबारों की सर्कुलेशन की जाँच परख का काम करती है। इसके लिए उस अखबार के मालिक को RNI और ABC दोनों का मेंबर होना जरूरी है। दोस्तों, अखबार की जांच परख के लिए ABC टीम कई बार खुद छुप के भी इसकी जांच करती है, तो कई बार अखबार के मालिक को भी इसकी पूरी जानकारी देनी होती है कि जैसे कॉपीज हर साल कितनी छापी जा रही है, कितने प्रतिशत प्रिंटिंग मशीन्स काम कर रही हैं, तो कितने प्रतिशत एडिटर सब एडिटर अखबार में जुड़कर काम कर रहे हैं। तो वही अगर अखबार में कोई नई मशीन प्रिंटिंग के लिए लाई जाती है तो उसकी भी जानकारी ऑडिट ब्यूरो को देनी आवश्यक होती है। साथ ही ये सभी जानकारी हर साल के दिसंबर महीने से पहले भेजनी जरूरी है, इसके बाद ही ऑडिट ब्यूरो द्वारा सर्कुलेशन की जांच परख की जाती है। इससे ही हमें ज्ञात होता है कि कौन सा अखबार कितने प्रतिशत नंबर 1 पर चल रहा है और कितने प्रतिशत नंबर 2 पर, और इससे ही हम मालूम कर सकते हैं कि कितनी प्रतिशत जनता कौन सा अखबार को सबसे ज़्यादा पढ़ रही है और सबसे ज़्यादा देख रही है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर मुलाकात होगी किसी नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।